उन ते कमजोरियां मनुख दियां अनंत ने, उन ते अवगुण मनुख दे अथाह ने, लेकिन एक अवगुण एक कमजोरी मूल है, बुनियादी है, जो हर वक्त हर समय हर कर्म देच हर कृत देच छाई रहती है, व्यापक रूप से होंगी। उसनु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी गुरमत भाषा अनुसार हों में आख्या है, जिन्हों इतों की प्राचीन धार्मिक भाषा दे अहं भाव करके कहने अहंकार, मैं हाँ और मैं होवा मैं ही हाँ, ये मैं भाव मनुख के अंदर हर वक्त व्यापक रहता है। कादर करीम ने स्वाभाविक तौर पर कुछ अवगुण जगत के खिलेरे ने, जैसे देख रहे हैं कि पतंगे के अंदर दृष्ट रोग प्रधान है और हाथी के अंदर कामक रुचियां शिखर से पहुंची हुई हैं। कन्ना का रस सड़े देश के दे शास्त्रकार कहते हैं हिरन प्रधान है और नाशका का रस सुगंधी दे रस का लिपाए मान हर वक्त लालची रहने वाला ये भौरा प्रधान है। पंज ज्ञान अंदरे पंज रसा दे चों कोई एक रस किसे न किसे जीव दे प्रधान रूप दे जहर रहिंदा है और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी बकायदा इसका जिक्र है। लेकिन ये जिहड़ा मनुख है इसका प्रधान मूल अवगुण की है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुख के अंतिशकरण दे झात मार के जो मनुख की बुनियादी मूल कमजोरी लभी है वो है अहंग भाव। होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गुल बसकीना, दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। शायद कहने ने ये जितने जीव जंत ने इन्हों सारे अंदर कोई ना कोई एक बुनियादी रोग है। हाथी का बुनियादी रोग है काम, बाकी इंद्रियां तो करीबन करीबन ये निश्चिंत है, लेकिन एक इंद्रिय के अधीन होण करन के इहदी जिंदगी कई दफा बहुत दुख सहेड़ती है। इसी तरीके नाल एक कोई मूल अवगुण है हिरन दे वो गंढेड़े दा राग सुन के अपने आप नू शिकारी दे अधीन करा बैठता है। एक कोई रस प्रधान है भौरे दे नाशका दा और एक कोई रस प्रधान है अखां दा बकायदा पतंगे दे। जबान दा रस प्रधान है मछली दे अंदर, मनुख दा रस कहने अहंग भाव दे चे मैं दे चे, जिथे जिथे इसकी मैं तृप्ति मिले, जिथे जिथे इसकी मैं कोई पट्ठे पावे, जिथे जिथे मैं भाव ज्यादा प्रगट होवे उथे मनुख नू रस आउंदा है। मनुख अपने नालों ज्यादा धनवाना की सभा विच बैठ के खुश नहीं होंदा, क्योंकि वड्डे धनवाना की सभा विच बैठ के उहदे अंदर हीन भाव पैदा होंदा है और उहदी होमे नू सट लगदी है, उहदे अहंकार नू सट लगदी है। मूर्ख गुणवाना की महफिल विच बैठ के भी दुखी होंदा है, कारण के गुणवान उसनू उच्चे दिखाई देंदे ने और फिर वह खुद गुणवाना के सामने छोटा हो जाता है। ये छोटापन खटकता है। मनुख हर महफिल विच हर थां ते हर समय ते उच्चा ही रहना चाहता है, वड्डा ही रहना चाहता है। इस वास्ते जद मनुख के अंदर ये होमे प्रबल रूप दे छोवे वो अपने तो ज्यादा वड्डे धनवान कोल नहीं बैठ सकता, वो अपने तो ज्यादा वड्डे गुणवान कोल कलाकार कोल नहीं बैठ सकता। जे बैठेगा तो उन्हें तृप्ति नसीब नहीं होगी, बेचैनी होगी, परेशानी होगी, जिथे जिथे भी उसनु छोटा भाव महसूस होगा औखा होगा। कहते इसे अहम भाव तो निंदा का जन्म होया है। हूँ दूसरा वड्डा है कि हूँ होमे नु संतुष्ट करना है, अहम नु संतुष्ट करना है, रस देना है, किवें करिए उस वड्डे नु छुटियाओ, तो वड्डे नु छुटियाण दा इक्को ही तरीका है निंदा। उहदे उत्ते इल्जाम तराशियां कर दो, उहदियां बुराइयां दा जिक्र कर दो, चाहे नहीं भी ने कल्पना करके भी कर दो, ताकि दूसरा कम से कम छोटा होवे
ते मैं वड्डा हुआ। कई दफा देखते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे भी वड्डा होने का नाटक रचते ने, नकली मुछा ला के या नकली हाव भाव करके वो अपने आप नू वड्डा होना दिखाने की कोशिश करते ने। जिंदगी दे किसे तल दे च भी मनुख नू छोटा होना परवान नहीं, चाहे वह बच्चा है, चाहे वह जवान है, चाहे वह बुढ़ा है, चाहे वह निर्धन है, चाहे धनवान है, चाहे निर्गुण है, चाहे गुणवान है, मनुख के अंदर यह भाव बनिया ही रहता है कि मैं वड्डा हाँ और मैं वड्डा होवा। दूजा छोटा है जे नहीं तो उन्हें छोटा कर देना। मनुख की इस अहम भाव तो तरह तरह के तशद्दद जुलम बरपा हुए हैं संसार दे। नवीं सदी जुलम तशद्दद मनुख के अहम भाव तो निकलता है। मैं वड्डा तू छोटा है, मैं हाँ तू तू है, और मैं सब कुछ हाँ तू कुछ भी नहीं। इस भाव ने समुची दुनिया नू खास करके मनुखी दुनिया नू नरक बना के रख देता है। ये हौमें किस किस थान से व्यापक रहती है इस नू साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल इस पावन पवित्र श्लोक विच खोले। मूल कमजोरी मनुख की अहंकार है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला हौमें रोग मानुख हो रही ना, इधर मतलब नहीं कि ये बाकी रोग नहीं है, बाकी कमजोरियां नहीं ने, कमजोरियां तो बाकी भी ने, वो उकसाहट नाल पैदा होंदिया ने, वो वक्त नाल पैदा होंदिया ने, समय नाल पैदा होंदिया ने। इको एक कमजोरी जो अठे पैर जागदिया सौंदिया मनुख दे दिल दिमाग विच रहिंदी है वो है अहं भाव। मैं हाँ और मैं बहुत वड्डा, चाहे वड्डा है चाहे नहीं, पर वड्डा होके मैं दिखाना है, वड्डा होना मैं प्रगट करना है, और जे नहीं प्रगट कर सकया तो कोई गल नहीं, वड्डा होना मैं मन लेना, मैं वड्डा ही हाँ, मन ते सकदा है, मनण दे इसते कोई रोक नहीं। इस वास्ते मासूम बच्चा भी कई दफा अपने आप नू बादशाह मन लैंदा है। यह गल वक्री है, वह खेल भी बादशाह ते वजीर दा खेड़दा है, अंदर उसके अंदर रुचि है कि मैं बादशाह मैं वड्डा मैं बहुत वड्डा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच इसी कमजोरी का जिक्र करते हैं, और गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी फरमान करते हैं, आपस को जो भला कहावे किसे भलाई निकट ना आवे। और हकीकत है कि जद जद मनुख अपने आप नू बहुत उच्चा कहलांदा है, वो कहलांदा इस वास्ते और खुद प्रगट करना भी इस वास्ते चाहता है कि उच्चा नहीं है। अगर उच्चा है तो कभी आखण की लोड़ भी नहीं पड़ी। सूरज ने कभी नहीं आख्या कि मेरे च रोशनी है, चंद्रमा ने कभी नहीं आख्या मेरे च शीतलता है, चंदन कभी ढिंडोरा नहीं पिटदा मेरे च ठंड है, मेरे च सुगंधी है। सुगंधी खुद बोल पैंदी है, महक खुद बोल पैंदी है, शीतलता खुद ही दस पैंदी है। जब शीतलता नहीं है तो फिर कहना पैंदा है शीतलता दा कि मेरे कुल है। जब महक नहीं है, सुगंधी नहीं है, तो फिर प्रगटावा करना पैंदा है। तो खैर अजो की 20वीं सदी मुखर भी बड़ी है, बहुत बोल रही है, बहुत बोल रही है। इतना बोलना पहले नहीं सी, और सारे बोल अहंकार को पैदा हो रहे हैं। सारे बोल इस वास्ते ने कि मैं हाँ बोल बोल के अपनी होंद प्रकट करनी है। कोई अपनी जात प्रकट कर रहा है, कोई अपनी पात, कोई अपना रंग, कोई अपना रूप, कोई अपना स्वभाव, कोई अपने गुण, कोई अपनी धन संपदा, कोई अपनी बिरादरी, कोई अपना मुल्क, कोई अपनी भाषा और कोई अपना प्रांत। वर्ष के बोलां दे सब कुछ यही प्रगट हो रहा है। जब कोई कहता है मेरा देश सब तो वड्डा है, इहदे च एक भाव प्रगट होता है, मैं सब तो वड्डा, क्योंकि मैं छोटे देश का रहने वाला नहीं हाँ, मैं बहुत वड्डे देश का रहने वाला। हुण वड्डपना चाहिए है तो वड्डे होने लई कोई सहारा चाहिए है तो कोई देश का सहारा पकड़ लेंदा है। मैं छोटे मोटे देश का रहने वाला नहीं, मैं बहुत वड्डे देश का रहने वाला। फिर मनुख ऐसा भी कह देता है मेरा मजहब बहुत वड्डा है। हुण मेरा मजहब बहुत वड्डा है ताई मैं वड्डा, जे मेरा मजहब छोटा है तो फिर मैं छोटा हूं।